मतलब लिटरली यहाँ पे पैसों की बारिश हो रही है। स्पीड देखो गाइस इसकी, अरे बाप रे। गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसे दो मशीन्स खरीद के लेके आ चुका हूँ। एक के अंदर आप पैसे जमा कर सकते हो, दूसरी मशीन के अंदर आप पैसे उड़ा सकते हो। दोनों ही मशीन्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। पिछली बार जब मैंने एटीएम मशीन का वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, पर ये एटीएम मशीन्स काफी ज्यादा महंगे थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि सस्ते वाले एटीएम मशीन्स लाने के लिए, तो वो भी आज मैं खरीद के लेके आ चुका गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो, एक एक करके दिखा देता हूँ। ये सबसे सस्ती ट्रॉली बैग एटीएम मशीन है। मेरे पास जितने भी एटीएम मशीन है उन सब में से ये सस्ती है। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट मनी सेफ एटीएम मशीन है भाई। इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी दिया जाता है। वो सीक्रेट कंपार्टमेंट आप देखोगे ना भाई, सच बता रहा हूँ, शॉक होने वाला हो। ये एटीएम बैंक मशीन है, इसका प्राइस है 1200 रुपीज। ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट एटीएम मशीन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस होती है। ये भी दिखा देता हूँ भाई, दिखने में तो एक कार जैसी दिखाई दे रही है, पर इसके अंदर भी एक ऐसा सीक्रेट कंपार्टमेंट है, आप देखोगे ना गाइस दिमाग घूमने वाला है पूरी तरीके से। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको सबसे ज्यादा एडवांस एटीएम मशीन। अब ये एटीएम मशीन के बारे में बात करूं तो ये एटीएम मशीन रियल एटीएम मशीन से भी ज्यादा मेरे को रियल लगती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए। तो अब एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो पैसे उड़ाने वाली मशीन है इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर थोड़े से पैसे वगैरह भी उड़ा के देखते हैं और देखते हैं ये मशीन किस तरीके से काम करती है। चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फटाफट से ओपन कर लिया मैंने। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा देना। बॉक्स खोलते ही देखो इसके अंदर एक रेड कलर की इस तरीके की मशीन मिलती है। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है इसको पकड़ने के लिए और यहाँ पर है एक ट्रिगर। जैसे ही आप ये ट्रिगर को दबाओगे ना गाइस, यहाँ से धड़ाधड़ तरीके से पैसे निकलने लगते हैं। तो पैसे निकलने के लिए इसके अंदर पहले पैसे डालने भी पड़ते हैं। मेरे को लगता है कि 1,00,000 रुपए तो काफी आराम से आ ही जाएंगे। तो इसके साथ थोड़े से डुप्लीकेट डॉलर्स भी हम लोगों को मिलते हैं। तो पहले आज हम ये मशीन के अंदर डुप्लीकेट डॉलर्स डाल के उड़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या ये मशीन सही से काम कर पाएगी या फिर नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में इसका काम करने का मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इस तरीके का व्हील लगा हुआ है, ये व्हील जैसे जैसे घूमता है यहाँ से एक एक करके इसके अंदर से नोट्स वगैरह निकलने लगते हैं। तो ये गड्डी ले ली मैंने, ये गड्डी को डालता हूँ यार इसके अंदर में, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं। तो देखो गाइस इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले ये जो है थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट करना पड़ेगा, फिर ये ट्रिगर दबाएंगे। ये तो काम नहीं कर रही है, फिर एक बार चेक करते हैं गाइस। अभी देखो, अरे बाप रे गाइस, देख रो कितनी फटाफट तरीके से पैसों को फेंक रही है यार। देखते ही देखते इसने 1,00,000 डॉलर उड़ा दिए भाई। अब ये मशीन में रियल पैसे डाल के उड़ाते हैं गाइस, देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने मिनट में कितने पैसे उड़ा सकते हो। ये पैसे मैंने इसके अंदर डाल दिए, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करते हैं। ये देखो गाइस, मतलब लिटरली यहाँ पे पैसों की बारिश हो रही है। स्पीड देखो गाइस इसकी, अरे बाप रे, मजा आ गया यार इसको चला के। मतलब बीच बीच में थोड़े से पैसे स्टक हो रहे हैं, बाकी देखो यार पूरी के पूरे 1,00,000 रुपए उड़ा दिए यार। ओ माय गॉड, मेरे को लग रहा है गाइस ये मशीन के हिसाब से आप 5 सेकंड में 5,00,000 रुपए उड़ा सकते हो पूरी तरीके से। मतलब ऐसी मशीन तो मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है। इसके अंदर जैसे ही नोट फंसते हैं तो हम थोड़ा सा इसको शेक करेंगे तो नोट्स एकदम फ्रीली इसके अंदर से निकल के आ जाते हैं। तो गाइस चलो अब ये फेस रिकॉग्निशन एटीएम मशीन को करते हैं अनबॉक्स। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर कितने ढेर सारे फीचर्स दिए गए, काफी ज्यादा यूनिक मेरे को लग रहे हैं। बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो यार जरूर से लाइक ठोकना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। और इसके अंदर जितनी चीजें मिली थी वो सारी की सारी चीजें मैंने निकाल ली है। डिब्बे को रखते हैं साइड में। ओके, ये इसका यूजर गाइड है, ये आपके पास रहना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इसी के अंदर देखकर आप इसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो और इसको किस तरीके से चलाना है सारी इन्फॉर्मेशन ये यूजर गाइड के अंदर दी गई है। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। कीपैड दिया गया है, इसका एटीएम कार्ड है। जैसे हम लोग नोट यहाँ पे रखेंगे, ये देखो नोटों को इस तरीके से अंदर खींच लेता है। अगर मान लो गाइस मेरे को अभी इसके अंदर से कुछ पैसे निकालना है तो वो पैसे मेरे को निकालने के लिए पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अभी मेरे को इसके अंदर से 500 रुपीज निकालने हैं तो मैं ये बटन प्रेस करूंगा, तो अभी ये पूछ रहा है कि मेरे को कितने पैसे निकालना है। मेरे को निकालने हैं इसके अंदर से 500 रुपीज, ये मैंने प्रेस कर दिया है। फिर देखो
अभी ये पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 0000, ये मैंने प्रेस कर दिया, अभी ओके प्रेस करूंगा। प्रेस कर दिया मैंने, अभी देखो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, ये बोल रहा है कि मेरे को फेस रिकॉग्निशन करना चाहिए, ये फेस रिकॉग्निशन मैंने दे दिया है। और देखो गाइस फटाक से ये इसका जो डोर है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आप इसके अंदर जितने पैसे डालते हो जितने पैसे निकालते हो ये मशीन जो है वो सारा का सारा हिसाब किताब रखती है। तो इसके अंदर से मैं 500 रुपीस अभी फिलहाल के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर एक और कमाल का सिक्योरिटी फीचर मेरे को लगा गाइस, वो है इसका ATM। देखो जब तक आप इसके अंदर ATM लगाकर पिन वगैरह नहीं डालोगे तब तक गाइस ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का ATM मशीन मेरे को लगा। गाइस अब अनबॉक्स करते हैं मनी सेफ ATM मशीन को। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, तो ये बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ये काफी ज्यादा कम प्राइस में भी मिला है मेरे को, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। दिखने में यार एक बैग जैसा ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है स्कूल बैग बोलकर। ऊपर यहाँ से आप पैसे इसके अंदर डाल सकते हो, यानी कि नोट्स वगैरह डाल सकते हो। कॉइन्स वगैरह डालने के लिए तो यार पीछे एक स्लॉट दिया गया है, यहाँ से आप इसके अंदर कॉइन्स वगैरह डाल सकते हो। बाकी इसको देखो आप हैंग भी कर सकते हो कहीं पे भी, ऊपर की तरफ एक हैंडल भी दिया गया है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गाइस इसके अंदर कीपैड कहाँ पे है, यही इसका एक सीक्रेट चीज है गाइस। आप देख लो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कीपैड वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसका सीक्रेट कंपार्टमेंट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है इधर। अरे यार एक बार के लिए तो मैं ही कंफ्यूज हो गया था। अच्छा तो इसको यहाँ से प्रेस करके इस तरीके से ये देखोगे जैसे आप इसको दबाओगे ना यहाँ पे इसका कीपैड आ जाता है। यार जब तक आप इसके अंदर पासवर्ड डाल के थंब नहीं लगाओगे तब तक इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए ना तो वो फिर भी इसके अंदर कीपैड नहीं ढूंढ पाएगा। गाइस ये दोनों ATMs के बीच में से देखते हैं दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फास्ट है। इसके अंदर यहाँ से नोट्स इंसर्ट करते हैं तो रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट रख दिया है, देखो वहाँ पे मेरा भाई नोट रख रहा है। अबे भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ, देखो ये मशीन बहुत ज़्यादा फास्ट मेरे को लग रही है यार। अरे ले ले भाई, ये देखो अब जाके एक नोट इसने अंदर खींचा है। भाई इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है पर जैसे ही आप नोट को थोड़ा सा प्रेस करके अंदर डालोगे ना तो ये फटाफट तरीके से पैसों को खा जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 3 नोट्स ले लिए, देखते हैं इकट्ठा क्या ये दोनों मशीन्स 3-3 नोट्स को अंदर ले पाएंगी या फिर नहीं। थोड़ा सा मैं अंदर इसको ढकेल रहा हूँ, भाई ये तो नहीं ले पा रही है यार। मेरे को लगता है ये जो मशीन है ज्यादा से ज्यादा 2 नोट्स को अंदर लेगी। भाई ये मशीन देखो कितनी ज्यादा फास्ट है यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं ले रही है। देखो 2 नोट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं, बीच में आकर ये नोट्स यहाँ पे फंस गए थे, अब इसने अंदर खींच लिया है नोट को। मतलब ये मशीन दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सेफ भी है, पर इसके अंदर आप जैसे ही ज्यादा पैसे डालने के लिए ट्राई करोगे ना तो भाई ये बिल्कुल भी पैसों को अंदर नहीं खींच पाती है। अंदर जो पैसे मैंने डाले हैं वो किस तरीके से निकालना है एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका भी जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो 0000 ही होता है, तो प्रेस कर देते हैं पासवर्ड। प्रेस कर दिया मैंने, अभी थंब लगाते हैं। देखो जैसे मैंने थंब लगाया है यहाँ पे ग्रीन लाइट आएगी और ये जो कंटेनर है इस तरीके से फटाक से ओपन हो जाएगा और फिर इसके अंदर से आप सारे के सारे पैसे निकाल सकते हो। ये मशीन थोड़ी सी स्लो है पर मेरे को नहीं लगता कोई भी इसके अंदर से पैसे चुरा पाएगा क्योंकि इसका सीक्रेट कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा सीक्रेट है। तो गाइस नो डाउट ये जो मशीन है बहुत ज्यादा फास्ट है। अब देखते हैं क्या ये मनी ट्रांसपोर्टर मशीन से भी फास्ट है या फिर नहीं। इसको भी एक बार मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस दिखने में बिल्कुल एक आर्मर कार जैसी ये दिखाई देती है। ओह माय गॉड, इसके अंदर भी देखो ऊपर की तरफ कीपैड है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ से आप नोट डाल सकते हो, यहाँ से कॉइन्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैंने बैटरीज वगैरह डाल दी है, दोनों को रखते हैं साइड बाय साइड, देखते हैं अभी इस बार दोनों में से कौन जीतता है। तो देखते हैं यार कौन सबसे ज्यादा फास्ट है। ये मैंने यहाँ पे नोट रख दिया। ओबे भाई इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा खतरनाक है यार, ये तो मेरे हाथ से नोट छीन के लेके जा रही है। अरे बाप रे, ये देख रहे हो गाइस, ओ माय गॉड, मैंने इतनी ज्यादा फास्ट मशीन आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है यार। ओ देखो ये देखो यार, ये बीच में आकर हैंग हो चुकी है। अगर इसके अंदर हम लोग फटाफट तरीके से पैसे डालेंगे तो इसके अंदर ये दिक्कत आ सकती है, ये पैसे जो है हम लोग इस तरीके से खींच के वापस निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोगों को बार बार रीसेट करना पड़ेगा। तो अब देखो ये अंदर खींच लिया इसने, तो इसका भी जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो 0000 ही होता है गाइस। ये देखो ये मैंने प्रेस कर दिया है, अभी यहाँ पे मेरे को फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। ये मैंने लगा दिया है, देखो पीछे का जो डोर है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके डोर की क्वालिटी देखो यार कितनी ज़्यादा मोटी है भाई, ये बहुत ज़्यादा मजबूत आर्मर्ड कार है। ये देखो मैंने इसके अंदर इतने ढेर सारे पैसे डाल दिए थे, मेरे को लग रहा है गाइस इसके अंदर हम लोग
5-6 लाख रुपए काफी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंटेनर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। जब तक आप हथौड़ा नहीं लोगे ना गाइस, ये तब तक टूटेगा नहीं, इतना ज्यादा मजबूत मनी ट्रांसपोर्टर मशीन है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एटीएम मशीन। इसको निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। भाई साहब पूरा का पूरा रियल एटीएम जैसा ही दिख रहा है, और इसके अंदर आप डिस्प्ले भी देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा दिया गया है। इसके अंदर भी आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। आपने अभी तक इसके अंदर जितने पैसे जमा किए हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये डिस्प्ले में दिखाई देगी। नोट्स वगैरह यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से कॉइन्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी छोटा सा प्यारा सा एटीएम कार्ड दिया जाता है। देखो अभी तक मैंने इसके अंदर पासवर्ड नहीं डाला है, बगैर पासवर्ड डाले मैं इसको खींचूंगा तो क्या होता है ये देखो। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये बजर रुक जाएगा। जैसे ही मैं इसको जबरदस्ती खींचने के लिए ट्राई करूंगा, पहले तो ये खुलेगा नहीं, बाकी फटाफट तरीके से बजर बजाने लगता है। तो अब एक ऐसा एटीएम मशीन है जिसके अंदर आपको रियल एटीएम कार्ड डालना पड़ता है पैसे वगैरह निकालने के लिए। ये देखो रियल एटीएम ले लिया है मैंने, मेरे बैंक का है ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब देखो इस पैसे निकालने के लिए इसके अंदर जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, इसका भी जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो 0000 ही होता है गाइस। यहाँ से मैं इसके अंदर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है और इसकी तिजोरी इस तरीके से फटाक से ओपन हो चुकी है। फिर हम अपने पैसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। मतलब कि गाइस आपके बैंक से इसके अंदर पैसे नहीं आते हैं, आपने इसके अंदर जो स्टोर करके रखे हैं वो पैसे ही आप रियल एटीएम डालकर यहाँ से निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको सबसे ज्यादा सस्ता वाला एटीएम दिखाने वाला हूँ गाइस। ये भी काफी ज्यादा फैंसी मेरे को लग रहा है। तो इसकी पैकिंग इस तरीके की है, यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसके अंदर भी आप पासवर्ड वगैरह डाल के आपके पैसों को छिपा के रख सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद, फिंगरप्रिंट लगाने के बाद, जैसे आप इसको टर्न करोगे तो ये डोर ओपन हो जाता है, फिर इसके अंदर से आप पैसे वगैरह निकाल भी सकते हो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हो। और आज की विनर है हमारी मनी ट्रांसपोर्टर मशीन। भाई इससे ज्यादा तेज पैसे खाने वाली मशीन मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं दिखी है। तो वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इतने ढेर सारे कमाल कमाल के एटीएम में से आपको आज कौन सा एटीएम सबसे ज्यादा मस्त वाला लगा। मेरे को तो यार ये जो हमारी थार जैसा दिखने वाला एटीएम है ये सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। चलो भी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है तौहीद, लकी, जितेंद्र, शिवांश, उमर, बप्पी सिंह, अक्षित, फरहान, सार्थक, आयान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पे कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।